सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन बदतमीजी रोकने के लिए वो सारिफिन को ही कंट्रोल देने जा रहे हैं ताकि बदतमीजी का सद्देबाप किया जा सके। कंपनी ने अपने अकाउंट पर ट्वीट में कहा है कि हम ट्विटर पे होने वाली गुफ्तगू को महफूज बनाने के लिए सारिफिन को कंट्रोल देने जा रहे हैं। मजीद कहा गया कि 2020 के अवाइल में तजुर्बात के जरिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लेंगे कि कौन ट्वीट्स का जवाब दे सकता है और उसके बाद ये कदम उठा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा सख्त एक्शन होगा वो ये है कि ट्विटर सारिफ किसी शख्स को भी पैगाम भेजने या उस पर रद्दमल देने से रोक सकता है। ट्विटर के मुताबिक सिर्फ सारिफ के पास कंट्रोल होगा जिसके तहत वो अपनी मर्जी से दीगर सारिफिन को पैगाम भेजने या रद्दमल के इजहार का मौका देंगे। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्वीट के जवाब में लोग गंदी गालियां तक लिखने से परहेज नहीं करते, जिसके बाद से ट्विटर पर सारिफिन का ये मुतालिबा था कि कोई ऐसा तरीक़ेकार मुतारिफ करवाया जाए कि जिसके जरिए बदतमीजी और बदतहजीबी के मुर्तकिब अफराद को रोका जा सके। ट्विटर के कोदेदार ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऑनलाइन बदसलूकी ट्विटर समेत बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इस वक्त एक संगीन मसला है। वाज रहे कि पाकिस्तान में भी ऑनलाइन बदसलूकी के वाकयात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2018 के इंतखाबात की निगरानी से मुतालिक एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिजिटल इंतखाबी मुहिम के लिए कोई जाब्ता इखलाक न होने के बाइस इंटरनेट पर आम इंतखाबात 2018 को गलत मालूमात और जाली खबरों से मुतासिर किया गया। खास तौर पर खवातीन से ऑनलाइन बदसलूकी की शिकायत मौसूल हुई। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 में खवातीन सियासतदानों की नुमाइंदगी के उनवान से रिपोर्ट जारी की गई। DRF रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि खवातीन सियासतदानों को ज्यादातर ऐसे तबसरे पढ़ने को मिले जो गंदे और जाती नौयत के थे, जबकि मर्द सियासतदानों को जिस बदसलूकी का सामना करना पड़ा वो सियासी नजरियात के गिर्द मरकूज थी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।